अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे लगता है तुम्हें खुशखबरी मिल गई। क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? तुमने किया नहीं, उसके बच्चे को मार दिया। दिमाग खराब है तुम्हारा? बता दू मैं नहीं मारे अभिनव, जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा खेल बिगाड़ने वाले का खेल बनने थोड़ी ना रह सकती हूँ। अरे तुम भी ना अभिनव, मैंने कहाँ सोचा था कि तुम्हें अपने साथ लेकर चलने वाली हूँ। तभी तो इनफैक्ट तुम्हारे रास्ते के सबसे बड़े कांटे को मैंने ही तो हटाया। एक सेकंड, कौन सा रास्ता, कौन सा काटक, किसकी बात कर रही हो तुम? गौरव, वही गौरव जिससे रूपी प्यार करती थी। तुम्हें क्या सच में ये लग रहा था कि गौरव को हार्ट अटैक आया और वो हार्ट अटैक से मरे? इसका मतलब गौरव को हार्ट अटैक, गौरव को तुमने मारा? हाँ। पता है अभिनव, मैंने क्या सोचा था कि यहाँ एक तरफ मैं वरदान से सगाई करूंगी और दूसरी तरफ तुम रूबी को अपने जाल में फंसा कर उसे शादी कर लोगे और फिर हम दोनों मिलकर राज करेंगे। लेकिन तुम मेरा ही पत्ता काटने चले थे। लो, कैसे मैंने तुम्हारी जीत को हार में बदल दिया। और एक मिनट, ये कोलकाता का टिकट जो अब तुम्हारे काम आने वाले, क्योंकि कोलकाता अब तुम जाओगे अभिनव। वरदान और केतकी को तो मैं एक ना एक दिन अलग कर ही दूंगी। फिर ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा और तुम्हारे हाथ एक फूटी कौड़ी भी नहीं लगेगी। रूबी से मिली आप? अरे केतकी भाभी, आप? नहीं, वो मैं रूबी से नहीं मिल पाया, वो शायद सो रही है। ऐसे में डिस्टर्ब करना मुझे सही नहीं लगा। भाभी, रूबी और मेरा रिश्ता भले ही टूट गया हो, लेकिन कभी भी आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना, तो प्लीज मुझे याद कीजिएगा। एक दोस्त के नाते मैं रूबी के लिए हमेशा यहाँ हूँ। जी, धन्यवाद। देखिए ना, राम जी की भी शायद यही इच्छा थी कि इस परिवार से मेरा रिश्ता जुड़ा रहे, तभी उन्होंने कालंदी को ठीक कर दिया। वो म्यूजिक क्लासेस देने के लिए आना होगा ना, तो आना जाना तो अब लगा ही रहेगा। कालंदी ठीक हो गई मतलब? आपको पता नहीं चला? वो मैं रूबी के कमरे से बाहर निकला तो कालिंदी के कमरे में से कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे ड्रॉर्स खुलने बंद होने की आवाजें, तो मुझे लगा कालिंदी ठीक हो गई होगी। कोई और भी है क्या उसके कमरे में? अगर वरदान जी की मेहमान इस हालात में है तो कमरे में ड्रॉर्स कौन खोल रहा था?
इसे अचानक क्या हुआ? ये मेरे कमरे के ड्रॉर्स क्यों खोल रही है? कहीं कहीं अभिनव ने इसे कुछ बता तो नहीं दिया? मुझे लगा तारंगी ठीक हो गई होगी। लगता है कबीर को कोई गलत फहमी हो गई होगी। वही दवाई थी जो मैंने गौरव को दिया था उसे मारने के लिए। अगर 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 ये केत किया अब उस दवाई के ऊपर तहकीकात करने लगी तो उसे ये पता चल सकता है कि गौरव को मैंने ही मारा था। नहीं, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? इतना बड़ा सबूत कैसे छोड़ दिया मैंने? एक मिनट, और कोई सबूत तो नहीं है? और कुछ तो नहीं भूल रही हूँ मैं? मुझे सबसे पहले इसे ठिकाने लगाना होगा। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हेलो आकाश, क्या तुम हमें बता सकते हो कि ये ट्रानेजोलिक एसिड ये दवाई किस काम में आती है? इस दवाई का इस्तेमाल तो ब्लड में क्लॉट्स पैदा करने के लिए किया जाता है, खून जमाने के लिए। और अगर इसे ज्यादा मात्रा में किसी को दे दिया जाए तो क्या कुछ खतरनाक हो सकता है? हाँ, अगर किसी को ट्रानेजोलिक एसिड ज्यादा मात्रा में देंगे तो उसके ब्लड में क्लॉट्स पैदा होंगे और उसे हार्ट अटैक भी आ सकता है और फिर उसकी मौत हो सकती है। लेकिन केतकी, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? वो आकाश, हमें ये ट्रानेजोलिक एसिड का वायल कालिंदी के कमरे में मिला। तुमने बताया था ना मुझे कि कालिंदी ने स्लीपिंग पिल्स ले लिए थे और बेहोश होकर फर्श पे गिर पड़ी थी, तो उसे कहीं चोट लगी थी? कहीं ब्लीडिंग वगैरह हुई थी क्या?
हाँ, उसके सिर पर चोट आई थी जिससे खून आ रहा था और डॉक्टर ने ड्रेसिंग की तो ठीक हो गया, लेकिन आकाश इन सब का इस दवाई से क्या लेना देना? जब भी किसी पेशेंट को ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो कई बार डॉक्टर उसे ट्रांजोलिक एसिड का डोज देते हैं। हो सकता है जो डॉक्टर कालिंदी के इलाज के लिए आया हो उसने उसकी ब्लीडिंग रोकने के लिए ये दवाई दी हो, उसी का वायल तुम्हें मिला हो शायद। अच्छा केतकी, मुझे एक पेशेंट का कॉल आ रहा है बार बार, मैं उसे जरा बात कर लेता हूँ। आकाश को वो शक क्यों नहीं हो रहा है जो जो हमारे मन में चल रहे हैं? गौरव की मौत भी तो हार्ट अटैक से हुई थी और इस दवाई का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से किसी को भी हार्ट अटैक लाया जा सकता है, और इस दवाई के शीशी का कालिंदी के कमरे में मिलना, कहीं ऐसा तो नहीं कि गौरव की मौत के पीछे कालिंदी जिम्मेदार हो? बहुत दुख झेले हैं हमारी रूबी ने, और अगर उन दुखों का कारण तुम हुई तो हम कसम खाते हैं कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दिलाकर रहेंगे। तो वरदान और सारे घर वालों को यही लगता है कि मैं चलने फिरने बोलने खाने पीने किसी के लायक नहीं हूं, लेकिन ये केतकी को शक होना ये ठीक बात नहीं है। और ये आदर्शवादी बहू पता नहीं कब क्या कर बैठे। नहीं नहीं नहीं, जब हर पल सतर्क रहना होगा। अब देखिए अनोखा बंधन दंगल प्ले पर टीवी से पहले।